राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान श्री राम दे अवतरण दी पवित्र धरती अध्यात्मक आद नगरी सप्तपुरियां च सर्वश्रेष्ठ अते सनातन संस्कृति दे नाभी केंद्र सभ्याचारक राजधानी अयोध्या च तुहाडा स्वागत है। अयोध्या धाम च भगवान श्री राम दे जन्म स्थान ते विशाल मंदिर दा मुड़ निर्माण ते हो ही रहा है। उथे ही दूजे पासे अयोध्या दी अध्यात्मिकता नू संजो के अयोध्या दी आत्मा नू सहेज के विशाल ते आधुनिक अयोध्या दा निर्माण भी होया है। आओ तुहानू दिखांदे हां कि किस तरह श्री राम लला दे जन्म स्थान ते बन रहा है विशाल मंदिर ते किस तरह हो रहा है अयोध्या दा कायांतरण। सतत शाश्वत सरयू दी तारा साक्षी है सनातन सभ्यता दे हर अध्याय दी। अयोध्या परंपरा नाल सभ्याचार नाल धरोहर नाल चरित्र नाल इतिहास नाल पराग इतिहास नाल अनंत काल तो राममयी है। वर्तमान समय नू जे सनातन सभ्याचार दा ए संक्रांति काल किया जा सकता है तां ए समा अयोध्या दे मुड़ निर्माण दा सुनहरी काल है। वर्तमान में जो सनातन धर्म के एक स्वर्णिम काल का अवसर है जो मंदिर बन रहा है उसका सारा श्रेय सनातन धर्मावलंबी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी और जो हमारे इस आंदोलन में शहीद हुए राम भक्त कार सेवक उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, हृदय से श्रद्धा वनत हूँ। अयोध्या दा बनवास खत्म होया है। श्री राम जन्म भूमि ते लोकां दीआं भावनावां एक बहुत वड्डा आकार लै रहीआं ने तां दूजे पासे अयोध्या दे गौरव दी मुड़ स्थापना हो रही है। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। सारी अयोध्या दा रूपांतरण हो रहा है जिस नाल कि इस नूं सनातन सभ्याचार दे एक वड्डे केंद्र दे रूप विच विकसित कीता जा सके। अध्यात्मक नगरी अयोध्या दे मूल भाव नूं संजो के नवा फ्लेवर दित्ते जाण दी इस प्रक्रिया दा संत समाज बहुत वध चढ़ के श्लाघा कर रहा है। साधुओं में अपार उत्साह है कि वो संत जो निरंतर राम नाम सीताराम भगवान राम की नाम की गुणगान उनकी महिमा उनकी चरण उनकी बंदन उनके अंतःकरण में जो संत सदैव निरंतर प्रयत्नशील हैं समर्पण भाव से उनके मन में एक अपार उत्साह। राम लला दा जन्म स्थान है अयोध्या। राम लला दा खेडन वाला स्थान है अयोध्या। अयोध्या सनातन सभ्याचार दा केंद्र बिंदु है। श्री राम भारत दी आत्मा है तां अयोध्या भारत दी सभ्याचारक पहचान। श्री राम भारत दे अतीत हन वर्तमान हन अते भविख हन अते अयोध्या हुन अपने अतीत तो निकल के सुनहरी भविख वल वध रही है। श्रमेव जयते साडे सभ्याचार दा अटुट हिस्सा है। श्रम दा सन्मान साडे सभ्याचार दा अभिमान है। भगवान श्री राम दे जन्म स्थान ते इतिहासक मंदिर दा जद निर्माण हो रहा है तां इस संकल्पना नू साकार कर रहे ने साडे श्रम योगी साडे श्रम साधक अते श्रम जीवी अते मन विच सिर्फ एक ही भाव है राम काज कीन्हे बिना मोही कहां बिसराम। अते हुन कलयुग विच भी श्री राम दी कृपा नाल ही एक अलौकिक स्वरूप नू आकार दिता जा रहा है जिस विच वैदिक पद्धति ते नवीनतम तकनीक दा अद्भुत मेल है। अयोध्या च श्री राम जन्म भूमि ते श्रम योगियां दी सेना राम लला दे विराट वैभव नू साकार कर रही ने। श्रमिक बंधुओं को हम बहुत आदर और बहुत उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करते हैं क्योंकि भगवान श्री राम जब सेतु बना रहे थे उस समय एक गिलहरी आकर के रेते में लेट जाती थी समुद्र में जाए और रेते में लेटे फिर जा करके वहाँ अपना रेता डाल देती थी सेतुबंध में।
तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे ऐसा करने से क्या होगा, तो गिलहरी ने कहा था कि कुछ हो या ना हो लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा था, तो गिलहरी का भी उसमें योगदान था। तो उस सेतु बंधु की ही तरह ये श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर है, राम जी का निज निवास है, उनका जन्मभूमि है, वहाँ वहाँ पर जो भी श्रमिक बंधु लगे हैं वो बहुत ही स्तुत्य हैं, बहुत ही प्रशंसनीय हैं, और उनके प्रति बहुत बहुत हम साधुवाद अहो भाव व्यक्त करते हैं। पूरे मनोयोग नाल एक कर्म योगी पत्थरां नू तराश ही नहीं रहे बल्कि पत्थरां दा भविख बदल रहे ने। ये पत्थर आम निर्माण कारज दे नहीं बल्कि भगवान श्री राम लला दे मंदिर दे हन, अते मंदिर दा एक एक पत्थर श्री राम वर्गे ही पूजनीय हन। अयोध्या दे निर्माण अधीन श्री राम मंदिर विच भले ही हाले प्राण प्रतिष्ठा विच थोड़ा समा बाकी है, पर राम नाम दे संकल्प दे नाल ही साडे श्रम साधकां दी श्रम साधना लगातार जारी है। ये साधारण कारीगर अते मजदूर नहीं, ये साधक हन, ये सर्जक हन, अते सर्जन कर रहे ने सर्जन हार दे अलौकिक मंदिर दा। राम दा नाम, राम दा कम, राम दी तुन, राम दी लगन अते मंदिर दा अद्भुत वास्तु शिल्प सुंदर तो सुंदर निर्माण दे लई इन्हां नूं प्रेरित करदा है। जय श्री राम। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है, शिल्प शास्त्र में प्रथम श्रेणी का ये मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं बन रहा। मेरे को इस काम से बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैंने ये काम बंद करने के बाद में भी श्री प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा था, तो मैंने ये पुनः फिर काम चालू कर दिया है, और मैं तन मन से मैं चाहता हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में सबसे सुंदर से सुंदर डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर निर्माण च लगे सारी कारीगर ते मजदूर अपने आप नू किस्मत वाले मनते ने, क्योंकि उन्होंने भी इस महायज्ञ च अपना अंशदान करन दा मौका मिलया है। पत्थरां ते नक्काशी करन वाले शिल्पकार होन जां पत्थरां नू जोड़न वाले कारीगर जां फिर आम मजदूर, हर कोई अपना काम पूरी लगन ते निष्ठा नाल कर रहा है। हर कोई श्री राम मंदिर च निर्माण दे काम नू एक पवित्र मौके दे रूप विच देखदा है। मेरे को करते करते 25 साल हो गई काम को करते करते, बहुत से मंदिर बनाए और कई एक जगह गया, मगर यहाँ जैसा काम नहीं मिल पाया। बहुत हृदय खुशी होती है कि भगवान का काम हमको मिला। पूरे जगत दे सर्जक दे निमित्त मंदिर च अपना श्रमदान करके एक एक श्रमजीवी च आत्म गौरव दा भाव होर गहरा होया है। चाहे नौजवान होन जां बुजुर्ग, हर एक श्रम साधक अपने काम अते अनुभव नूं लैके बहुत रोमांचित है। सौभाग्य है हमारा जो हम राम मंदिर में काम करने के लिए आए हैं। जो हम हमारे माता पिता बच्चे बीवी सब खुश है, सब खुश है। तो कहते हैं कि वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं है, तो हम के बोलते हैं कि अच्छा है, अच्छा लग रहा है, सब ठीक ठाक है। कहते आगे लगता है कि मंदिर निर्माण दे काम च पूरा देश लग्या होया है। मंदिर निर्माण दे काम च देश भर दे वक्त वक्त हिस्सों तो कारीगर ते मजदूर पहुंचे ने, चाहे वो इंजीनियर होन जां सुपरवाइजर जां फिर आम मजदूर। देश दे वक्त वक्त हिस्सों तो आके जनमानस आराध्य दे मंदिर नू आकार दे रहे ने। नक्काशी अते पत्थरां दी कटाई जुड़ाई दा ज्यादातर काम मध्य प्रदेश दे मोराना अते राजस्थान दे पिंडवाड़ा च हुंदा है। मध्य प्रदेश अते राजस्थान दे सैकड़े कारीगर अपने हस्त कौशल नाल मंदिर नू होर आकर्षक बनाउण च लगे ने। पत्थर का पहले पूरा माप बाप देख के उसको ऊपर ला रहे हैं, फिर सेटिंग कर रहे हैं हम लोग,
जहाँ का पत्थर हो वहाँ का, वहाँ से उठाते हैं और ऊपर लाके सेटिंग कर रहे हैं। उसमें जॉइंट भी आता है, जॉइंट के अंदर जो क्लैंप आता है क्लैंप डालते हैं और उसको हाल भी देता है, वो नीचे खड्डा करके उसको हाल डालते हैं। वो अगर लोहे का डालेंगे तो क्लैंप वो छड़ जाता है, और तांबे का डालते हैं तो उसको छड़ता नहीं है, उसका लाइफ हो जाता है, तो क्लैंप बना के डालते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमको एक अलग सी फीलिंग आती है, ऐसे रामलला का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये मोदी जी को श्रेय जाता है पूरा, कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो काम अटका पड़ा था अपने रामलला का, आज राम मंदिर का काम हो रहा है, बड़ा गर्व होता है। और इसको हम मतलब अपने दिल और दिमाग से जितना मजबूती से काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के नाल ही साथी मजदूरों की सुरक्षा ते देखभाल करन वाली इकाई च वड्डी गिनती च आस पास के जिलों के नौजवान ने जिहड़े रोजगार के नाल ही आत्म गौरव का आनंद मान रहे ने। हर जगह से यहाँ पे जैसे कि हम सुनते हैं, पुराणों में सुने हैं जो चीज़ या कहानियों में सुने, आज उनको रियल करने का समय मिला है तो बहुत अच्छा लगता है सर, गर्व महसूस होता है कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि में। पूरा डेवलपमेंट चल रहा है अयोध्या में, तो अच्छे खासे रोजगार इधर मिल रहे हैं लोगों को, और लोग अपने घर के करीब काम करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब बहुत खुश होते हैं, गाँव के लोग हैं कि बोलते हैं कि हाँ मंदिर में काम कर रहा है, अच्छा काम है ये, सबको अच्छा लगता है। सभी पूछते हैं कि कितना बन गया, कब तक तैयार हो जाएगा मंदिर। मंदिर निर्माण च लगे श्रम साधक अपने जतन मेहनत अते वचनबद्धता नाल इस पवित्र संकल्पना नू असली रूप च आकार दे रहे ने, अते इस कालजई इतिहासक निर्माण दे सहभागी अते साक्षी बन के इतिहास रच रहे ने। 5 अगस्त 2020 नू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों श्री राम लला दे जन्म स्थान ते विशाल मंदिर दे मुड़ निर्माण लई भूमि पूजन कीता गया ते शताब्दियां दी अभिलाषा पूरी होई, पीढ़ियां दी मनोकामना पूरी होई ते 5 अगस्त 2020 तो बाद मंदिर निर्माण दी प्रक्रिया लगातार जारी है। ये महायज्ञ लगातार जारी है अते 3 वर्यां तो घट समय च हुण मंदिर बहुत वड्डा आकार ले चुका है। पांच अगस्त 2020 शताब्दियां दी अभिलाषा पूरी होने का दिन, कोटि कोटि भारतीयों दी मनोकामना पूरी होने का दिन, विचारक समाजिक सभ्याचारक अते कानूनी लड़ाई तो बाद 5 अगस्त 2020 नू ओ समा आया जद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्म भूमि ते मंदिर दे मुड़ निर्माण लई भूमि पूजन कीता। कोटी कोटी भारत वासियां दी सदियां दी मंशा पूरी हुई, अयोध्या च ही श्री राम दा बनवास खत्म होया, अयोध्या दे विराग च सुभाग दा उदय होया अते हुण अयोध्या दे गौरव दी मुड़ स्थापना दा महा संकल्प सिद्धि वल नू वध रहा है। सारे मनोरथ पूरे होने का वेला भी हुण नजदीक है। राम जन्म भूमि ते बन रहे विशाल मंदिर च राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा का समा भी नजदीक है। प्राण प्रतिष्ठा भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर पर। वो प्राण प्रतिष्ठा हमने दिसंबर 2023 कहा है, मैं उसी को मकर संक्रांति बोल रहा हूँ। ऊपर के 2 तल अगले 6-7 महीने 8 महीने में, यानी 2024। अयोध्या च बन रहा राम लला दा विशाल मंदिर जे श्रद्धालुओं लई डूंगी श्रद्धा दा केंद्र रही, ता ए परंपरा तकनीक अते आधुनिकता दा संगम भी है। सारा मंदिर एक विशाल मानव निर्मित नी पत्थर वर्गे शिलाखंड ते बन रहा है। मंदिर निर्माण दियां कुछ चुनौतियां सन जिसनू तकनीकी माहिरां दी कमेटी ने बखूबी सुलझा लिया। हमने यहाँ पे बोर होल्स किए, बोर होल 120 मीटर तक हम लोगों ने उसका बोर होल करके उसका सॉइल का पूरा जब इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम चला
कि यहाँ पे हार्ड रॉक नीचे में नहीं है और पूरा सॉइल ही सॉइल है नीचे तक, और उसको भी जब देखा तो 9 मीटर तक लूज अर्थ था। तो फिर डिसाइड हुआ था कि 9 मीटर और उसके बाद में आगे 3 मीटर और, तो टोटल 12 मीटर तक ये पूरा एरिया का जितने भी लूज अर्थ थे वो पूरा निकाला है। M3 ग्रेड का कंक्रीट का डिज़ाइन करके उसको हम लोगों ने एक एक लेयर, एक एक फीट का एक एक लेयर डाला उसको लूज, और उसको हम लोगों ने रोलर कॉम्पैक्टेड से कॉम्पैक्शन किया, जो कि फाइनली वो 250 mm का कॉम्पैक्शन के बाद में मिला। ऐसा 250 mm के 54 लेयर्स डालते हुए हम लोगों ने ये पूरा एरिया को कंक्रीट से भरा इसके लिए, सो दैट ये एक हिसाब से एक आर्टिफिशियल रॉक फॉर्म हो गया। 15 मार्च 2021 तड़कसार शुभ मुहूर्त श्री राम जन्म भूमि स्थान ते वैदिक पूजन दे नाल श्री राम मंदिर निर्माण लई नींव पराई दा काम शुरू होया अते उदों तो लगातार मंदिर निर्माण दी प्रक्रिया निरंतर जारी है। मंदिर सनातन सभ्याचार दा विशाल प्रकाश स्तंभ होवे, राम लला दा मंदिर काल जयी होवे, मंदिर काल दे कपाल ते अमिट हस्ताक्षर होवे, इस दे लई किसे किस्म दी कसर नहीं छड़ी जा रही है। जब 1000 साल के लिए अगर मंदिर का डिज़ाइन करना है तो उसके लिए जो भी उसका मटेरियल यूज़ में लेना है उसकी लाइफ 100% 1000 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और हम अगर कंक्रीट या फिर रेनफोर्समेंट जो कि आयरन सरिया जो काम में आता है उन सबको अगर यूज़ लें तो उनकी लाइफ जो भी अभी तक प्रूवन है वो 100 साल या उससे कम है। तो डिसाइड किया गया है कि ऐसा कोई मटेरियल यूज़ में नहीं लें जिसकी लाइफ 1000 साल से कम है। तो पत्थर से ही पूरा मंदिर बन रहा है, और जहाँ पर भी पत्थर को एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ रहे हैं तो या तो उसमें इंटरलॉकिंग हो रही है पत्थर की शेयर की से, और या फिर जहाँ भी हमको मेटल यूज़ में लेना है तो हम लोग कॉपर के क्लैंप्स बना के उसमें काम में लेते हैं। राजस्थान दे गुलाबी बलुआ पत्थरों ते हो रही बारीक नक्काशी मंदिर नू बहुत ज्यादा सुंदर बना रही है। मंदिर वास्तुशिल्प अते इंजीनियरिंग दा विश्व प्रसिद्ध निर्माण है जिस विच आधुनिक तकनीक दा इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्थरों नू सही ढंग नाल कट के पत्थरों नू जोड़न लई पत्थरों ची स्थान बना के इन्हां नू एक दूजे दे उपर रख दिता जांदा है अते फिर तांबे दे कलंप नाल इन्हां नू मजबूती नाल जोड़ दिता जांदा है। बन रहे मंदिर दी लंबाई 360 फुट, चौड़ाई 235 फुट अते ऊंचाई 161 फुट होवेगी अते ए मंदिर 3 मंजिला होवेगा। सारा निर्माण कार्य मिथे गए समय च पूरा हो रहा है अते वर्तमान च मंदिर दे बेसमेंट दे निर्माण दी प्रक्रिया अंतम पड़ा च है। मंदिर निर्माण तो बाद राम लला दे दर्शन करन वाले दी गिनती च 4 to 5 गुना वाधे दी संभावना है। मंदिर दे आकार प्रकार च करीब 1.5 गुना वाधा अते विस्तार होया है। सुप्रीम कोर्ट तो मिली 68 एकड़ भूमि तो बाद श्री राम मंदिर तीर्थ खेतर ने मंदिर दे आसपास दी कई एकड़ जमीन नू खरीदिया, जिस नाल मंदिर तो इलावा मंदिर परकोटा श्रद्धालु सुविधा केंद्रा दा निर्माण किया जा सके। मंदिर के चारों ओर आयताकार चारों दिशाओं में लगभग 800 मीटर लंबाई ऐसी एक 14 फीट चौड़ी दीवार बनेगी जिसे टेंपल की भाषा में परकोटा कहेंगे। 14 फीट चौड़ा आयताकार है, 4 कोने हो गए, 4 कोनों पर 4 मंदिर, 2 भुजाएं लंबी होंगी और दूसरी भुजा के बीच में अन्नपूर्णा, तो परकोटे में 6 मंदिर होंगे। दर्शन करके दक्षिण दिशा से लोग बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते हुए एक महर्षि वाल्मीकि वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त्य निषादराज शबरी अहिल्या और जटायु
इनको निर्माण किया जाएगा। नागर शैली च बनन वाला ये मंदिर देश के विशाल मंदिरों विचों एक है। वास्तु अते कला की नज़र विच भी ये मंदिर विलखण है। मंदिर का 8 पूजी गर्भ वे, मंदिर की मनोहारी नक्काशी, मंदिर का उतुंग शिखर, मंदिर का परकोटा अते सारा मंदिर कॉम्पलैक्स निर्माण के पूरा होने ते पूरी दुनिया च नवे भारत की शक्ति, समर्था अते सभ्याचारक बोध नूं बाखूबी प्रदर्शित करेगा। अयोध्या च सिर्फ श्री राम दे विशाल मंदिर का ही निर्माण नहीं हो रहा, शहर का कायाकल्प भी हो रहा है। आने वाले सालों च श्रद्धालुओं की भारी गिनती नूं देखदे होया इत्थे संपर्क अते संचार दे माध्यमां च जबरदस्त वाधा किया गया है। ये अयोध्या का नवा बन रहा रेलवे स्टेशन है, जिहड़ा विश्व पदरी सुविधावां नाल लैस है। इसे तरह नवा बस अड्डा ते नवा हवाई अड्डा भी विकसित किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे च विस्तार दे नाल ही इस पूरे शहर अते इस पूरे खेतर च रोजगार दे मौकियां दे नवे दरवाजे खुल रहे ने। जिथे कण कण च राम है बदल रहा वो ताम है। अयोध्या च श्री राम लला का मंदिर ही नहीं बन रहा, बल्कि इस धर्म नगरी नूं करम योग नाल नवा रंग रूप भी दिता जा रहा है। राम जन्म भूमि ते विशाल मंदिर निर्माण दे नाल नेड़ले भविख च श्रद्धालुआं दी गिनती च 3 to 5 गुणा वाधे की संभावना है, अते लिहाजा अयोध्या अते आस पास बुनियादी ढांचे का वड्डे पत्थर ते विकास किया जा रहा है। अयोध्या च नवे बन रहे रेलवे स्टेशन का काम जारी है। विश्व पदरी सुविधावां नाल सुसज्जित करीब 100 करोड़ की लागत नाल अयोध्या दे बन रहे स्टेशन दे पहले पड़ाव का काम पूरा हो गया है। ये स्टेशन एक दिन च 4.5 to 5 lakh श्रद्धालुओं की अगवानी करन दे समर्थ है। मंदिर निर्माण दे बाद तो स्थानक लोगों नूं रोजगार दे नवे मौके मिले ने। जाहिर सी बात है, जब यहाँ विकास की गंगा चारों ओर बह रही है तो अवसर भी अधिक बनते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं रोड काफ़ी अच्छे धीरे धीरे हो रहे हैं। स्टेशन सामने देख रहे हैं कि पहले कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे डबलिंग का काम भी हो गया है, हो रहा है, और इलेक्ट्रिक भी हो गया है। यहाँ के आने वाले हर वर्ग को, व्यवसायी वर्ग को, मजदूर वर्ग को, हर लोगों को काम मिलेगा। रोजी रोजगार तो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो जैसे 30% आदमी आते थे, अभी जो है 60% आदमी आ रहे हैं। उससे रोजगार लोगों को, हम सभी लोगों को, रिक्शा वाले हैं, दुकानदार हैं, सभी लोगों को रोजगार काफी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। अयोध्या के कामकाज नु देख के इत्थे आने वाले लोग बेहद खुश ने अते भविख नु लेके काफी आशावान हन। लोगों का मानना है कि आने वाले सालों च अयोध्या धर्म के नाल ही व्यापार, वणज अते सैर सपाटा के केंद्र के रूप में उभरेगा। अयोध्या आज के डेट में बहुत बड़ा हुआ है। हम घूमे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सरयू तट से लेकर के हनुमान गली, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि, वहाँ तक बहुत अच्छा लगा हमको घूमने में। अर्थात बाकी सड़क योजना या और प्रशासन से लेके हर चीज़ तक हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि रोड भी बहुत चौड़ी चौड़ी बन रही है। पहले तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। बहुत सारे जन को रोज़गार मिलेगा, रोड से लेके होटल, घर, रेस्टोरेंट, हर एक चीज के लिए सुविधा होगी। सारे अयोध्या च घूमन ते तुहानू हर पासे निर्माण कार्य दिखाई देवेगा। करोड़ां भक्तां दी आस्था दा केंद्र राम मंदिर च राम लला दे दर्शनां दी राह आसान बनाउण लई राम पथ, भक्ति पथ, राम जन्म भूमि पथ अते धर्म पथ भी आकार लै रहा है। निर्माण गतिविधियां नाल इत्थे व्यापार ते रोजगार दे नवे मौके मिले ने। जितने भी युवा हैं उनको जैसे कि गाइड हो करने का, कि जो दूसरे देश से हमारे पर्यटक आने वाले हैं उनको गाइड बन के यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ की सांस्कृतिक कलाएं हैं और हमारे मंदिरें हैं वो सारे दिखाने का, और ये हमारे संस्कृत का, मतलब हमारे कल्चर के साथ में है, उनको एक कमाई का जरिया भी बन जाएगा। अयोध्या च ओही बदलाव दी लहर दा असर सारे पूर्वांचल, अवध अते सारे उत्तर प्रदेश च साफ दिखाई दे रहा है।
श्री राम मंदिर निर्माण से अयोध्या च दीप उत्सव च सैर सपाटा उद्घाटन के नाल संभावनावां दे नवे दरवाजे खुले ने। अयोध्या दे कायाकल्प प्रोजेक्टां तो साफ है कि आने वाले सालां च अयोध्या सने पूरे अवध अते पूर्वांचल च धार्मिक व्यापारक वणज संबंधी गतिविधियां वधणगियां ते रोजगार दे अवसर पैदा होणगे। राम की पैड़ी तो लैके सरयू तट तक, अयोध्या दिया गलियां तो लैके हनुमानगढ़ी मंदिर तक एक सकारात्मक ऊर्जा ते उत्साह दा अनुभव खुद बदलाव की कहानी बयान करता है। कदी छावनी च बदली रहन वाली अयोध्या अज भक्तों नाल भरी पई है। रामलला दे दर्शनां लई भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की श्रद्धा नाल भरिया अयोध्या करुणा सागर की भगती च अनंत गोते लगा रहा है ते विकास दे पवित्र पथ ते अगे वध रहा है। अयोध्या दे गौरव च भगवान श्री राम ने खुद कहा है, अवध पुरी सम प्रिय नहीं साओ, यही प्रसंग जाने कोई कहो। श्री राम लला दा ए मंदिर संकल्प तो सिद्धि दा प्रमाण है। नाल ही नाल सत्यमेव जयते अते श्रमेव जयते दे मूल मंत्र दे नाल भारत ते उत्कर्ष दी नवी कहानी भी बयान करता है। भगवान श्री राम दा ए मंदिर राम राज दी स्थापना दे वचन नू होर भी मजबूत करता है। ओ राम राज जो कहंदा है, दैहिक वैदिक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु ही व्यापा, सब नर रहे ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वतरम निरत श्रुत नीति। इस विशेष प्रोग्राम च फिलहाल एना ही, अनुमति दियो, जय सिया राम।